बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुंतका जज़ान सऊदी अरेबिया, अगर आपने विज़िट किया हुआ है तो आपको बाखूबी इल्म होगा। मैंने तो 8 माह से ज़्यादा का टाइम उन इलाकों में गुजारा हुआ है, अबू रीस, इदाबी, सबिया, फीफा। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिखा रखा हूँ, साथ में अभी वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूँ मैं। बारिशों का सिलसिला जारी है जी, और आज से अगर आप 1 साल पहले की बात करें, इन्हीं माह में जब फ्लैट्स के मुतलक बहुत सी लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता था, उन्हीं इलाकों में बैठकर करता था, और साथ में आपको कुछ ऐसे व्यू भी दिखाता था कुछ जो के बादल। यहाँ पर आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, बादलों गरज रखे हैं और खूब बारिश हो रखी है। तो बहरहाल जी, वक्त के साथ तो आदमी फिर जगह भी बस चेंज हो जाती है। तो अभी बात यह है जी, जो आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाला था वो ये, देखो एक तो बारिशों से तबाही जो हो रखी है इन इलाकों में, अल्लाह ताला की ज़ात कर्म करे तमाम तर वहाँ पर रहने वाले खासकर परदेसी भाइयों के ऊपर, क्योंकि परदेसी रहते हैं कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जो कि थोड़ा यानी कि आप अंदाज़ा कर लें कि लोएस्ट में आती हैं। सऊदी तो आपको पता है बड़े इमारों में या वहाँ से ट्रांसफ़र कर जाते हैं जज़ान की तरफ। तो ये भाई उन इलाकों से कुछ वीडियो क्लिप हैं जो सामने आ रखी हैं, और बारिशों का सिलसिला देखने की कैसे जारी है। अभी दफार मदनी की तरफ से बोल रहे हैं, सऊदी मुरूड की तरफ से बोल रहे हैं, ये वार्निंग कर दी गई है कि कोई भी आप किसी वादी वगैरह चल रही है, कोई पानी चल रहा है, अगर आपकी गाड़ी फंस गई है तो फिर तो ठीक है। अगर आप जानबूझकर उसमें गाड़ी घुसा रखे हैं, जानबूझकर शोही मारने के लिए घुसा रखे हैं और वीडियो बना रखे हैं साथ में सोशल मीडिया के ऊपर लगाने के लिए, तो इस चीज़ के ऊपर जानबूझकर किसी भी वादी में गाड़ी घुसाना, चाहे आप निकल ही क्यों ना जाएं, चाहे आप बच भी क्यों ना जाएं, फिर भी आपके ऊपर 5,000 से 10,000 रियाल का फाइन है। 5,000 से, अभी 5,000 आपने कहीं छोटा मोटा, आपको पता है जी पानी गुजरा है वहां पर, आप वीडियो बना रहे हैं गाड़ी अपनी खड़ी करके, फिर 5,000 है। अगर कोई वादी चल रही है तो आप उसमें से गाड़ी घुसा कर लेकर जा रहे हैं तो भाई 10,000 रियाल का फाइन है। हाँ, कोई रास्ता ऐसा है जिसके ऊपर कंक्रीट हुई है, वादी शलान है जी, वहाँ पर एक मैंने उसका विजिट भी किया हुआ है, कंक्रीट हुई है, ऊपर से पानी कंक्रीट के ऊपर से जा रहा है और नीचे से भी जा रहा है, लेकिन जो ओवर पानी है वो ऊपर से जा रहा है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ लेकर गुजरते हैं, वहाँ पर कोई नो टेंशन है, लेकिन बारिश की सूरत में वहाँ पर भी नहीं गुजरने देते हैं। तो एहतियात कीजिएगा किसी भी पानी वाली जगह के ऊपर, जानबूझकर गाड़ी में तो घुसाइएगा, वरना 5 से 10,000 रियाल का फाइन होगा।